महंगाई से त्रस्त मनरेगा मजदूरों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हमीरपुर में जमकर गुवार निकाला। हमीरपुर बाजार में रैली निकालने के बाद गांधी चौक पर एकत्रित होकर सैकड़ों मनरेगा मजदूरों ने कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर तले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस अवसर पर सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर, अनिल मनकोटिया भी मौजूद रहे। सीटू राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि महंगाई के दिनों दिन बढ़ने के चलते धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके चलते मनरेगा मजदूरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने चेताते हुए कहा कि जनवरी माह में विशाल धरना दिया जाएगा। ठाकुर ने कहा कि रसोई गैस से लेकर खाने पीने की कीमतों में रोजाना इजाफा हो रहा है, जिससे जनता भी त्रस्त हो चुकी है। कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की सरकार अंधे उद्योगपतियों के साथ मिलकर चल रही है और आज गरीब जनता बुरी तरह से त्रस्त होकर रह गई है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलकर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो गए हैं। आज CA2 के आह्वान पर पूरे देश में तीन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन हो रहा है। इसमें पहला मुद्दा तो यह है कि मनरेगा का बजट जो है मोदी सरकार जारी नहीं कर रही है और उससे पूरे देश में और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे इस जिले में भी मनरेगा के काम ठप पड़े हुए हैं। सीमेंट का पैसा नहीं आ रहा है। जिन लोगों को मनरेगा में काम मिल भी गया है उनका वेतन जो है नहीं पड़ रहा है। ये मुद्दा है आज हमारे सामने, जिसको लेकर आज हम यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। दूसरा इशू है जो रसोई गैस की कीमतें हम देख रहे हैं कि हर महीने बढ़ रही हैं। पिछले जून के महीने में 600 रुपए का सिलेंडर था, आज वो 815 और 820 का सिलेंडर भरा जा रहा है। और सरकार ने पहले ही जो है मिट्टी का तेल जो है डिपुओं से बंद कर दिया है। गरीब आदमी अब ना मिट्टी का तेल खरीद सकता। रसोई गैस महंगी हो रही है और इसलिए उसका निर्भरता जो है वो जंगलों पर जाएगा, जिससे पर्यावरण को नुकसान होगा। कि मोदी सरकार जो है इन सारे मसलों को लेकर इसका गैस का सिलेंडर का सवाल है उसकी कीमतें कम करे, दूसरा मनरेगा का बजट जारी करे और तीसरा मुद्दा है जो महंगाई का है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, मोदी सरकार आने के बाद जो है लगातार महंगाई बढ़ रही है। उस महंगाई के बाद से आज आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के MP ने बीजेपी से भी रिजाइन कर दिया, लोकसभा से भी रिजाइन कर दिया कि मोदी की सरकार जो है न तो किसानों के हित में है न मजदूरों के हित में है और पूरे देश में जो है हाहाकार मची हुई है और इसलिए जो है आज ये प्रदर्शन हो रहा है। और अगर सरकार नहीं माने तो आगे इंडिपेंडेंट तौर पर और संयुक्त रूप से ट्रेड यूनियन ने जो है जनवरी के महीने में एक विशाल पूरे देश में जो है आंदोलन करेगी और उस आंदोलन को मैं समझता हूं कि पूरे देश का मजदूर तो लड़ेगा परंतु देश का किसान और व्यापारी भी उसके साथ होगा। गौरतलब है कि मनरेगा के लिए बजट मुहैया नहीं होने से मजदूर बेकार फिर रहे हैं और दिनों दिन महंगाई के बढ़ने से भी लोगों को जीवन यापन करना भी मुश्किल बन रहा है।